युवती की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना दुंदासिवनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 24 घंटे के अंदर थाना दुंदासिवनी पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। एमपी के सिवनी पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी सुनील कुमार मेहता ने प्रेस वार्ता ली। एसपी ने बताया कि थाना दुंदासिवनी में गत 27 नवंबर की सुबह करीबन 8 बजे सूचना मिली कि एक अज्ञात महिला का शव निवस्त्र अवस्था में जनता नगर ड्रीमलैंड सिटी के गेट के सामने राजा मुवीन के पर के पीछे खाली प्लाट में एक कबाड़ डंप से बंधा पड़ा हुआ है। सूचना पर दुंदासिवनी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे, जहां एफएमएल टीम फिंगरप्रिंट एवं डार्क स्कॉट को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर मृतिका की पहचान हेतु पूछताछ की गई तो अज्ञात महिला का शव शिवानी के उर्फ थुलन पिता धनराम उइके उम्र 20 साल निवासी ग्राम टुपरा मोहल्ला के रूप में पहचान होने पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में अज्ञात आरोपी की तलाश हेतु गठित टीम द्वारा न्यायपटना स्थल पर मिले साक्ष्यों से पूछताछ में प्राप्त जानकारी एवं कार डिटेल के आधार पर अज्ञात आरोपी की तलाश की गई, जो गठित टीम द्वारा आरोपी को घटना के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। आरोपी मुकेश आचरे पिता ईशिलाल आचने उम्र 26 साल निवासी ग्राम नगझरखारी थाना करघाट द्वारा महिला की हत्या करना स्वीकार किया गया। हत्या कारित करने का कारण पूछने पर आरोपी द्वारा बताया गया कि आरोपी और मृतिका पूर्व से परिचित थी। आरोपी ने बताया कि 26 नवंबर की दोपहर में 12 बजे दोनों रेलवे स्टेशन के पास मिले और उसके बाद घटनास्थल पर जाकर दोनों ने साथ में शराब का नशा किया और दोनों वहीं पर सो गए। उसके बाद शाम को करीब 6 बजे फिर से दोनों ने शराब का सेवन किया और उसके बाद मुकेश आचरे ने शिवानी के साथ नशे की हालत में बलात्कार करने के बाद दोनों के बीच में पैसे की लेन देन को लेकर वाद विवाद हुआ। पूछने पर मुकेश ने बताया कि शिवानी इंदौर जाने के लिए 15,000 रुपये मांग रही थी। मना करने पर विवाद बढ़ा और मुकेश ने शिवानी का गमछे से गला पोटकर पास में पड़े पत्थर से उसका सिर कुचल दिया और उसी अवस्था में ले जाकर पास में खड़े कबाड़ डंफर से बांध दिया और घटनास्थल से फरार हो गया। इस कार्यवाही में नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती पूजा पांडे, निरीक्षक किशोर वामनकर, उप निरीक्षक अर्पित भैरम, उप निरीक्षक दामिनी हेडाव, प्रधान आरक्षक शेखर बघेल, योगेश राजपूत, मनोज मरावी, उमेश्वरी आरक्षक विवेक बाथरे, सीताराम जावरे, अंशुमन राजपूत, चंद्रदीप हिवारे, अखिलेश महोरे, सैनिक मोहम्मद वकील खान, साइबर सेल सिवनी से सहायक उप निरीक्षक देवेंद्र जायसवाल, आरक्षक अजय बघेल का योगदान सराहनीय रहा। जो 27 तारीख को एक अज्ञात शव मिला था, एक महिला का निर्वस्त अवस्था में था। इस महिला के साथ हत्या की घटना हुई थी और किसी अपराध का खुलासा के लिए हमारे द्वारा टीम बनाई गई। थाना दुंदासिवनी का क्षेत्र था जहां पर ये अज्ञात शव मिला था। इसमें टीम के द्वारा विस्तृत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मुकेश आचार्य नाम का अपराधी है, उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। महिला की हत्या उसके द्वारा की गई थी। 15,000 रुपये का लेन देन का विवाद था, जिसमें 15,000 रुपये युवती के द्वारा डिमांड की गई थी। इस घटना से पहले आरोपी के द्वारा उसके साथ संबंध बनाए गए थे। संबंध बनाने के बाद फिर उसको पत्थर से मार करके और उसका गला घोट करके उसको हत्या कर दी गई और उसको निर्वस्त्र किया गया था। इस तरह से एक विभत्स हत्या का मामला था और इस विभत्स हत्या के मामले में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करके आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया गया। करीब 30 घंटे के अंदर इसका प्रकरण पुलिस के द्वारा चल दिया।